हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक वरना भूल जाएंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ। ऐसे तो कल मौसम काफ़ी ख़राब था, हवा भी चल रही थी और काफ़ी गर्म मौसम था। रात में 1-1.5 बजे के करीब यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई थी और बारिश काफ़ी लंबे समय तक हुआ, सुबह तक बारिश होता ही रहा और थोड़ी देर के लिए बंद हो रहा था लेकिन फिर से बारिश चालू हो जा रहा था। तो ऐसे जो है कि 10 बजे तक ऐसे बरसा और इसके बाद अभी अभी बारिश बंद हुई है और कुछ धूप भी हो रहा है, लेकिन देखिए कब तक ये धूप रहता है। अभी अभी फिर से बारिश चालू हो जाएगी ऐसा मौसम लग रहा है। तो दोस्तों बात मैं ये बता रही हूँ कि आज सुबह सुबह मैं गिर गई, क्योंकि रात में बारिश हुई थी और ज़मीन काफ़ी गीला गीला था। मेरा जो द्वार है दोस्तों, आधा तो ईंट बिछा हुआ है और आधा मिट्टी का है। तो बारिश हुई थी तो ज़मीन काफ़ी गीला गीला हुआ था और मिट्टी भी फूल गई थी। तो मैं सुबह सो के उठी तो बाहर जा रही थी और मेरा पैर जो है कि मिट्टी पे पड़ा और पैर मेरा फिसल गया, मैं गिर गई और सब लोग देखकर मुझे हंसने लगे। सुबह सुबह मुझे ठंडे ठंडे पानी से नहाना पड़ा और जब बारिश होती है तो ठंडा भी लगने लगता है। दोस्तों आज जब मैं ज़मीन पे गिरी तो उस वक्त मुझे बचपन की याद आ गई, क्योंकि बचपन में मैं अक्सर गिरा करती थी बरसात के मौसम में। और जब गिरती थी तो तुरंत मैं उठती नहीं थी, पहले मैं चारों तरफ देखती थी कि मुझे गिरते वक्त कोई देखा तो नहीं। तो आज मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आई और मुझे दोस्तों चोट वोट तो नहीं लगी, बस ऐसे ही ज़मीन पे गिरे थे, मिट्टी वाले ज़मीन पे। दोस्तों अभी मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और मैं खाना भी खा ली हूँ। तो अभी मेरा दोपहर का खाना खाने का टाइम बाकी है, अभी मैं दोपहर में भी खाना खाऊंगी। और दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों के यहाँ मौसम का क्या हाल है। हमारे यहाँ तो आज बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी बारिश हुई है इस तरह से। दोस्तों अभी मैं छत पर हूँ और बरामदे में हूँ। देखिए हमारे बरामदे में खटिया रखा गया है। हमारे गांव देहात में आप लोगों को खटिया देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि गांव देहात में लोग खटिये पे ही सोते हैं। और ऐसे तो हमारे यहाँ चौकी भी है लेकिन चौकी पे बहुत कम लोग सोते हैं, पापा मम्मी और चाची चाचा सभी लोग खटिया पे ही सोते हैं, क्योंकि खटिया पे सोने में कहते हैं कि आराम रहता है, अच्छा लगता है सोने में। और देखिए अभी मैं बैठी हूँ खटिया पे और आज मैं रात में इसी खटिया पे सोई थी, क्योंकि आज रात में बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। जब बारिश होना स्टार्ट हुआ उसके बाद धीरे धीरे ठंडा मौसम हुआ, नहीं तो उसके पहले बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। तो इस बरामदे में सोते हैं तो इसमें हवा भी अच्छी चलती है और अच्छा भी लगता है सोने में। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं बाहर का व्यू कैसा है। ये देखिए दोस्तों, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। इधर देखिए काफ़ी हरियाली लग रही है और काफ़ी अच्छा मौसम है आज का दोस्तों। तो अभी मेरे छत पर का पानी सूख गया है और उधर देखिए पानी अभी है और अभी मुक्का खोलना बाकी है। तो चलिए मुक्का को खोल देते हैं, क्योंकि इस पे कबूतर इतना ज़्यादा रहती हैं, इतना गंदगी करती हैं कि वो मुक्का जो है कि ढक जाता है उसके गंदगी से। तो इसलिए बार बार जब भी बारिश होती है तो मुक्का खोलना पड़ता है। और मुक्का में जो जाली लगा हुआ है, जाली भी काफ़ी छोटा छोटा है, तो थोड़ा बहुत भी कचरा जाता है तो जम जाता है, पानी नहीं जा पाता है नीचे। तो जब बारिश होती है तो हम लोग आते हैं ऊपर से खोलते हैं, इसके बाद पानी नीचे जाता है। तो चलिए अभी उस मुक्के को खोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, बारिश का पानी इतना डूबा हुआ है और ये मुक्का जो है एकदम बंद हो गया है। ये देखिए यहाँ है मुक्का, तो इसे हम खोलते हैं। ये देखिए काफ़ी इसमें कचरा भरा हुआ है। अब देखिए दोस्तों धीरे धीरे पानी जाने लगा मेरे छत पर से नीचे की तरफ और पानी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए बारिश में काफ़ी आनंद आता है दोस्तों, लेकिन इस समय मौसम इतना ख़राब है कि बारिश में भीग नहीं सकते हैं, नहीं तो बहुत ही जल्द तबीयत ख़राब भी हो सकती है। ये देखिए पानी कितना बढ़िया जा रहा है।
जब बारिश होती है तो यहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा डूब जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमारे छत पर कबूतर भी हैं, उधर देखिए इधर बैठी हुई हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कबूतर रहती हैं। ये देखिए दोस्तों, उड़ के अभी अभी चली गई कबूतर। और जब भी बारिश होती है तो बहुत सारे कबूतर आकर इस छत पर बैठते हैं और बहुत गंदगी भी करते हैं। तो देखिए आसमान में उड़ रही है कबूतर। अभी मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे छत पर से कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए चारों तरफ कितना बढ़िया मौसम है। आज बहुत ही बढ़िया मौसम किया हुआ है दोस्तों, और धूप भी नहीं किया हुआ है। ऐसे तो रोज़ रोज़ धूप करता था, बहुत ही ज़्यादा धूप करता था। धूप में निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता है दोस्तों। और देखिए आज बहुत ही बढ़िया मौसम किया हुआ है, और देखिए अभी लगता है बारिश भी होगी। मौसम तो काफ़ी ख़राब लग रहा है, और आसमान में बादल भी देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी ढेर सारा बादल छाया हुआ है। दोस्तों अभी मैं हूँ दूसरे फ्लोर पे, तो चलिए चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। चलिए अब हम चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ। और आज मौसम काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, छत पर से नीचे का नज़ारा कितना बढ़िया दिख रहा है, और आज मौसम बहुत ही बढ़िया है। बादल भी छाए हुए हैं, और रात में बारिश भी हुई थी, इस वजह से आज काफ़ी ठंडा मौसम है। और ऐसे आप लोगों को मैं अपने छत पर से व्यू नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। जब धूप होता है तो कैमरे में अच्छे से शूट नहीं हो पाता है। तो आज बढ़िया मौसम है, तो मैं आप लोगों को आज अपने छत पर से नीचे का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे गाँव का नज़ारा कैसा है, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वो जो बिजली के खंभे देख रहे हैं दोस्तों, वो हम लोगों के खेत में से गया हुआ है। ये देखिए बहुत ज़्यादा खंभे हैं, हम लोगों के खेत से गए हुए हैं। और उधर बगल में एक पावर हाउस भी है, इस वजह से इधर खंभे बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे। ये देखिए चारों तरफ खंभा ही खंभा दिखेगा, बिजली वाला खंभा। देखिए दोस्तों, एक इधर टावर वाला खंभा है, और इधर सारा खंभा ही खंभा दिखेगा देखने को। और ये बहुत ही जल्द खंभा इतना ज़्यादा यहाँ पर हो गया। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बस 4-5 साल के अंदर ये खंभे सब गड़े हुए हैं यहाँ पर। और ये देखिए चारों तरफ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा मौसम है, और हल्की हल्की धूप भी करने लगी है। अभी लगता है कि धूप करेगा, तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा है दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है ये भी बताइएगा। इधर देखिए दोस्तों, खेत है, और इधर खेत काफ़ी खाली खाली लग रहा है, क्योंकि इस खेत में चना मटर और गेहूँ बोया गया था। और उधर कुछ दिख रहा है आप लोगों को, वो देखिए उसमें नेनुआ और भिंडी, उसमें सब्जियां लगाई गई हैं। तो इधर काफ़ी खाली खाली लग रहा है, ये देखिए दोस्तों। और इस समय अक्सर लोग अपनी अपनी सब्जियां उखाड़ भी देते हैं, क्योंकि अब जो है कि नई फसल लगाने की तैयारी करते हैं। तो अभी नेनुआ वगैरह हैं, अभी देखिए अभी बरसात के बाद वो सब उखाड़ेंगे उसको। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये देखिए इधर बांस भी है, हमारे घर के पीछे बहुत ज़्यादा बांस है। इधर देखिए मेरे छत पर भी आ गया है ये बांस, क्योंकि आज रात में बहुत तेज़ आंधी चल रही थी और बारिश भी हुई थी, तो बांस इधर इधर की तरफ ही लटक गया है। तो अभी उस बांस को काटेंगे, नहीं तो कुछ जानवर भी बांस के सहारे चढ़कर चले आते हैं छत पर, इसलिए हम लोग जो है कि बांस को काट देते हैं, उधर ही रखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी अभी धूप हो गया है,
ये देखिए धूप हो गया है, तो अब हम चलते हैं नीचे। दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।